नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वेलसार्टन टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, वेलसार्टन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और वेलसार्टन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि वेलसार्टन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में वेलसार्टन टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। वेलसार्टन टैबलेट का उपयोग हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए किया जाता है, यानी जिन व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर अधिक रहता है उन व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए वेलसार्टन टैबलेट का उपयोग किया जाता है। वेलसार्टन टैबलेट ब्लड प्रेशर को कम करती है और दिल का दौरा पड़ने का और लकवा लगने के रिस्क को कम करती है, क्योंकि लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वजह से किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, दिल का दौरा पड़ने का और लकवा लगने का रिस्क अधिक हो जाता है। इसके अलावा लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वजह से आंखों की ब्लड वेसल भी डैमेज हो सकती है और आंखों की देखने की दृष्टि कम हो सकती है। इसके अलावा डायबिटीज से पीड़ित व्यक्तियों में किडनी की कार्यप्रणाली को सही बनाए रखने के लिए भी डॉक्टर वेलसार्टन टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120-80 होता है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 140 से ज्यादा और नीचे वाला 90 से ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ज्यादा है। वेलसार्टन टैबलेट 40 mg, 80 mg व 160 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि वेलसार्टन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में वेलसार्टन टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में वेलसार्टन टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सिरदर्द, शरीर में थकान होना, उल्टी आने का मन होना, पेट में दर्द, दस्त और नींद अधिक आना आदि साइड इफेक्ट्स वेलसार्टन टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि वेलसार्टन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको वेलसार्टन टैबलेट के साथ साथ नमक का सेवन कम करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, और अगर आपके शरीर का वजन ज्यादा है तो शरीर के वजन को कम करना चाहिए। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंत्रण में लाने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि वेलसार्टन टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। वेलसार्टन टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर शुरुआत में वेलसार्टन 40 mg टैबलेट को दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं, लेकिन बाद में जरूरत पड़ने पर डॉक्टर वेलसार्टन 80 mg टैबलेट या वेलसार्टन 160 mg को भी दिन में एक बार लेने की सलाह दे सकते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं वेलसार्टन टैबलेट को ले सकती है या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए वेलसार्टन टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को वेलसार्टन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को वेलसार्टन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका वेलसार्टन टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।